अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अम्मा, इस सिद्धार्थ और पूर्णिमा की लड़ाई के चक्कर में ना सबसे ज्यादा नुकसान हम सबका होने वाला है। नहीं, तुम खुद सोच के देखो, अगर पूर्णिमा सिद्धार्थ से पैसे लेना बंद कर देगी तो क्या सिद्धार्थ हम सबको पैसे देगा? बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर भैया पैसे नहीं देंगे ना तो भाभी के चक्कर में ना हम सबकी हालत फटीजर जैसी हो जाएगी। हमारी तो हालत फटीजर जैसी होगी, पर अम्मा की सोचो। तुम कहाँ, मतलब गांव से सोच के आई थी कि शहर में आएंगे, बेटे के नाम पे आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी सब तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, इतने बड़े राइटर की डायरेक्टर की अम्मा हो बोल के। अम्मा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि तुमको पूर्णिमा को नौकरी करने से रोकना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। क्या हुआ दाहिनी, ये आप सबका मुंह ऐसा चौड़ा होने के बजाय ऐसा लंबा कैसे हो गया? चौड़े से हमारा मतबल है कि हंसिए, आज तो खुशी का मौका है, खुशी की घड़ी आया, हमारी बिटिया रानी को नौकरी मिला है। छठ का क्या है? खरना है, तो छठ का खरना कल है। अभी फिलहाल उधर आइए, खाना वाना खाते, प्रसाद हम लाए हैं और सब इंजॉय करते, आइए खुशियां मनाते, आइए आइए आइए। फोन काट दिया। क्या रे मुझोसी, का चाह रही, कौर का रही? ये तुम जो ससुर पतो मिल के जो खेला खेल रहे हो ना, वो बंद करो। आया बात समझ में का कर रहे हैं? ये नौकरी उकरी मत करो। अरे का पढ़ी लिखी हो तुम जी, न क लिखने आता है न ख, कौन नौकरी करोगे तुम? झाड़ू पोछा बर्तन का ना, मतलब तन को घर का इज्जत का प्रतिष्ठा का मान मर्यादा का ख्याल नहीं है कि किसकी पतो हो, किसकी मेहरारू हो? हमारा बेटा इतना साल से मेहनत करके बम्बई आया, इतना बड़का नाम कमाया, धन दौलत कमाया, यही दिन के लिए? घर का इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखो, और तुम नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करो। फिर से काट दी। का है सर, बार बार जो फोन काट रही हो? अरे कौन पति पत्नी में तनी मन मुटाव नहीं होता है? तो मेरा रोने संभालती है घर, पति को संभालती है, भटका हुआ पति को रास्ता दिखाती है, थोड़ा तपस्या करना पड़ता है। मानती हूँ कि तुम्हारा पति है, तुम्हारे पास आए तो ऐसे ही बार बार फोन काटोगी ना, तो बार बार फोन काटते रह जाओगी और वैसे ही तुम्हारा रिश्ता भी कट जाए। अम्मा जी, कभी आपसे कुछ कहे नहीं, बाकी आज आपसे अपने मन का एक बात कहना चाहते हैं, और ये सोच के कैसे कि आप अम्मा जी हैं, आप भी ब्याह करके आई हैं, तो आप ही हमारा दर्द समझ सकती हैं अम्मा जी, और कोई नहीं समझेगा। ब्याह के पहले ना अम्मा जी, हम जब कपड़ा खरीदने जाते थे ना बाबूजी के साथ, तो एकदम में हल्का कपड़ा खरीदते थे, कैसे कि भारी भारी कपड़ा पहनते थे ना, तो ऊब होता था, बोझा ऐसा लगता था। बाकी ब्याह के बाद 7.5 किलो का साड़ी पहनने लग गए। ब्याह के पहले खूब घूमते थे अम्मा जी, खूब परिवार के साथ बाहर घूमते थे, घर में तो पैर टिकता ही नहीं था। बाकी आपको याद है एक बार हम
बिया के बाद जब दरवाजा के बाहर खाली खड़े थे ना, था आप हमको बहुत डांटी थी, याद है आपको? और तबे से दरवाजा हमारा सिपाही बन जाओ, और जब दशहरा दिवाली छठ होता है ना, तबे हमको वो दरवाजा से छुटकारा मिलता है, हमको बाहर जाने के लिए मिलता है। बिया के पहले माई बाबूजी के साथ खूब सिनेमा देखते थे। पहले बार जब सिनेमा लगता है ना, सिनेमा हॉल में तो जाकर के पहला दिन देख लेते थे। बाकी अब हमको यो याद नहीं है कि आखिरी बार हम कब सिनेमा देखे थे, कौन सा सिनेमा देखे थे। अम्मा जी घर में किसी को तो पता नहीं है कि हमको खाने में भिंडी का भरवा बहुत ही पसंद है, खूब शौक से खाते हैं। बाकी घर में यहाँ किसी को पसंद नहीं है, एस यहाँ नहीं बनता है भरवा भिंडी, और होटल में जाकर के मंगा नहीं सकते हैं कैसे कि अकेले के लिए मंगा के क्या करेंगे, यही सोच के नहीं मंगाते हैं। मायके में बाबूजी जब कभी बाहर से खाना ले आते थे ना, तब वो झगड़ा करते थे उनसे, ये कह के बाबूजी चाहे तो हमारा बाहर लेकर के चलिए खाना खिलावे खातिर, आना तब घर में बनेगा से बनेगा। और आज जब बाबूजी खाना लेकर के आए ना, तब खुशी खुशी यहाँ ले आए कि निकाल करके सबको खिलाएंगे। अम्मा जी हम बहू होने का धर्म फर्ज कर्तव्य बहुत मन से निभा रहे हैं, खुशी खुशी निभा रहे हैं, बिना कौनो शिकायत के, वो कौनो शिकायत नहीं। बाकी नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे, और जन्मों जन्म के प्रेम के बंधन में हम इनसे बंधे थे, तो इसे फोन काटने से रिश्ता तो नहीं कट जाएगा ना, और अगर ऐसा हो गया ना तो ये मत मानिएगा कि बंधन कमजोर था, बाकी ये मानिएगा कि बांधने वाला उतने कमजोर, बेईमान और मतलब निकला। जोन चीज पे अकड़ रही हो ना, ऐठ रही हो, तो कोनो कलेक्टर का नौकरी नहीं कर रही हो, नौकरानी का नौकरी कर रही हो, झाड़ू पोछा बर्तन का, तो ऐसा ना हो कि ये अकड़ में ना तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला जाए। खस्ती रहना पत्थर, मरती रहना छड़, नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करोगी। तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला जाए। क्या करूं मैं, घर जा नहीं सकता, बाबूजी ने देख लिया वहां पे तो और तमाशा बना देंगे वो। सिट, मैं क्या कह रही थी कि क्या कह रही थी तुम, अच्छा मत कहो ना अभी प्लीज, मेरी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर लूंगा, करना पड़ेगा मुझे ही करना पड़ेगा, तो पत्नी है मेरी वो है, ऐसे कहीं भी जाके वो झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती है। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।